with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नस्तानाबूद कर 40 सैनिकों की शहादत का बदला लिया है। इसी खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी आतंकवादियों से बदला लेते हुए 30 एकड़ से अधिक जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के ठिकानों पर 1000 किलो बम बरसाकर उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ सेना ने पुलवामा का बदला पूरा किया। टीवी में हमले की पुष्टि होने के बाद पूरे देश में जोश की लहर दौड़ पड़ी। इसी खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली, साथ ही प्रदेश के प्रधानमंत्री और सेना के जवानों को सलाम करते हुए नमन किया। जो हमें तो ये लग रहा था कि जितने भी जवान शहीद हुए हैं, अब तो ये स्थिति आ गई है कि पूरा पाकिस्तान को ही शहीद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की मानसिकता जो कमजोर होते हुए भी भारत विरोधी है, बिना उसको समाप्त किए हुए अब अंतिम हल है भारत के लिए, और पाकिस्तान को ही भारत में मिला देना चाहिए पूर्व की भांति। पुलवामा में जो पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे भारत के सैनिकों पर धोखे से हमला किया है, उसका हमारे भारतीय सैनिकों ने जो जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, उन भारतीय सैनिकों को हमारा सारा देश सलाम करता है, नमन करता है। जो आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किस खुशी में निकाल रहे हैं? ये हमारे भारत सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, कल पुलवामा अटैक के जो जवाब दिया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी देश की वायुसेना, थल सेना, जल सेना, जो हमारी सेना का शौर्य है, उन्होंने कल जो पुलवामा अटैक का बदला लिया पाकिस्तान में अंदर घुस के पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों को, जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाते हैं, उनको वहीं घर में घुसकर मारा है और इस देश का नाम रोशन किया है। बोले भारतीय सेना को मैं सल्यूट करता हूँ। भारतीय सेना तैरौली से देवेश गुप्ता की रिपोर्ट।